ओम शांति। 15/5/2022 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, रिवाइज हैं 18/1/91। मुरली की हेडिंग, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन, सर्व को सहयोग दो। कहते हैं ना, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो सर्व स्मृतियाँ माना, जो बाबा ने बच्चों को अनेक टाइटल्स दिए हैं, स्मृतियाँ दिलाई हैं कि तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम पावन आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम त्रिकालदर्शी आत्मा हो, कल्याणकारी आत्मा हो, त्रिनेत्री आत्मा हो, तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम बाबा के दिल तख्त नशीन हो, जहन के नूरे रतन हो, आदि आदि। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को, अव्यक्त बाप दादा ने अनेक स्मृतियाँ दिलाई हैं। सुनते हैं बाबा के शब्दों में आज स्मर्थ। बाप अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं 18 जनवरी। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तभी ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने। तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की, यही स्थापना की। ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो, स्मृति दिवस कहते हो, तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया व ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने स्मृतियाँ दिलाई, वह सर्व स्मृतियाँ स्मृति में आई। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं, याद है ना? अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियाँ सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएंगी। लंबी लिस्ट है ना, स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है लेकिन रियलाइज करते हो। जैसी स्मृति वैसी स्थिति तब बनती है, जो बाबा ने टाइटल दिए हैं वो पहले स्मृति में लाते हैं, रियलाइज करते हैं, खाली रिवाइज नहीं करते, फिर उसका स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए कहते हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भगत सिर्फ सिमरन करते हैं। तो क्या क्या स्मृतियाँ अनुभव की हैं, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो ना, ऐसी स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए, कितने नाम होंगे, विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन, अनुभव करो, सिर्फ रिपीट नहीं करना। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और अति प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं, बाप के नैनों के नूर हो,
नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का क्या कर्तव्य होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनुभूतियाँ करो अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। यह एक दृष्टांत रूप में सुनाया, ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियाँ कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं जो बाप के रूप में, वह ब्राह्मणों के रूप में हैं जो बाबा के रूप, ब्रह्मा बाबा के और ब्राह्मणों के रूप हैं, उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। नाम रूप गुण अनादि आदि, और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य हैं, कितनी श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति अमर्ज करो। पांचवी बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई है, देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थि आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगमयुगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना? दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुख में खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। तो स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी ये शब्द नहीं कहते हैं ऐसे हमारे, हाँ ये नहीं कहते हैं ऐसे हमारा ब्रह्मा बाप था, उन्होंने यह कहा था, यह किया था, दुनिया वाले था करते हैं और दुख की लहर फैलाते हैं। लेकिन आप ब्राह्मणों की यह विशेषता है, आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप, था है नहीं कहेंगे, हमारे साथ हैं, साथ का अनुभव करते हैं, अव्यक्त हो गए, साकार बाबा सूक्ष्म रूप में हैं। जैसे निराकार बाबा को हम सदा साथ रखते हैं, ऐसे ही साकार ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त हुए फरिश्ता रूप में हमारे साथ ही रहते हैं। ब्रह्मा बाबा की जो विशेषताएं थी, गुण थे, जो बाबा ने कर्तव्य किया, जो बाबा ने हमको शिक्षाएं दी, वो शिक्षाएं हम धारण करके प्रैक्टिकल में जीवन में ला रहे हैं, तो बाबा हमारे सदा साथ है, तो साथ का ही अनुभव करते हैं। तो आप लोगों में यह विशेषता है, आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप चले गए, कमरा चेंज किया, इस कमरे से उधर सूक्ष्म वतन के कमरे में हैं, बस चले गए, नहीं। जो वायदा किया है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा? सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है। आप सभी का लक्ष्य है कौन सा? ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना, सो फिर देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना है। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा हो भी रही है, इसलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हो ना, समझा? स्मृति दिवस का महत्व क्या है? इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो, इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया? इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया है। आत्मा परमात्मा समान ही जाती, लेकिन बाप समान बनती है। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है, कई संदेशी बनकर याद प्यार ले आए और हर एक कहता है मेरी खास याद देना।
तो एक एक को अलग याद पत्र लिखने की बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में दिल में समाया हुआ है और अब विशेष समाया है। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अब भी इमर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग और दिल की रूढ़ियान दिल के हाल चाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। ब्राह्मण जीवन में ना तो क्वेश्चन मार्क हो सकता है ना आश्चर्य हो सकता है। कितनी बार ये समाचार भी सुना होगा, नया समाचार है क्या? नहीं, ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहें। जो होना है वो हो रहा है, इसलिए क्या होगा ये क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो तो क्या वर्तमान को नहीं जानते? घबराते तो नहीं हो ना? ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है। घबराने की बात ही नहीं। आप सबका कर्तव्य है अपनी शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। अपने ही आपके भाई बहन हैं तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध में सहयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। यह है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अच्छा, दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मण निमित्त बने होना। आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है, स्थापना पालना और परिवर्तन। विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है तो स्थापना पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पार्ट है। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। निराकार बाप और ब्रह्मा बाप की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती। ब्रह्मा के मंदिर भी बहुत गुप्त ही हैं लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी हैं। इसलिए अंत तक स्टेज पर विशेष बच्चों का पार्ट है, ब्रह्मा का गुप्त पार्ट है, अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त। ब्राह्मणों को तैयार किया और ब्रह्मा का पार्ट गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं क्योंकि उनका भी ड्रामा में मम्मा का गुप्त पार्ट चल रहा है। आदि ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दो के समीप और शक्तिशाली हैं। शरीर भी कमजोर नहीं, शक्तिशाली है। दादी जानकी जी से यह तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया, बाकी कुछ भी नहीं है। वैसे तो रेस्ट करती नहीं हो, दादी जानकी जी बड़ी ज़बरदस्ती रेस्ट पे जाते थे तो बाप दादा कह रहे वैसे तो रेस्ट करती नहीं हो, कोई कारण बनता है रेस्ट करने का। सभी दादियों में बहुत प्यार है ना? बाप के साथ साथ निमित आदि ब्राह्मणों से भी प्यार है तो आप सबके प्यार की दुआएं, प्यार जब होता है तो ऑटोमेटिकली आपस में एक दूसरों को दुआएं ही देते हैं। दुआएं शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त रखती हैं। अच्छा है, साइलेंस
की सेवा का पाठ अच्छा मिला। कितनी आत्माएं अशांत हैं, कितनी प्रेर कर रही हैं, उन्हों को कुछ ना कुछ अंजलि तो देंगे ना। देवियों से जाकर शक्ति मांगते हैं ना, तो शक्ति देना आप विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। दिन प्रतिदिन यह अनुभव करेंगे कि कहाँ से शक्ति की, शांति की किरणें आ रही हैं। फिर ढूंढेंगे सबकी नज़र कहाँ जाएगी, भारत भूमि पर ही जाएगी। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य पार्टियों के साथ निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं ऐसा अनुभव करते हो? सदा निश्चय अटल रहता है वह कभी डगमग भी हो जाते हो? निश्चय बुद्धि की निशानी है, क्या निशानी है निश्चय बुद्धि की? वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेंगे। कैसा भी साधारण कर्म हो लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय है। कोई भी कार्य में स्वयं को दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है, जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं लेकिन विजय क्यों हुई? भगवान साथ हैं। तो जब कल्प पहले यादगार में विजयी बने हो तो अभी भी विजयी होंगे ना, यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। विजय होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन उठ नहीं सकता। कभी भी बाप के साथ वालों की हार हो नहीं सकती, ये कल्प कल्प की नोंद निश्चित है। इस भाभी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा तो सदा विजय की खुशी में नाचते और गाते रहो। अच्छा, सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं ऐसा अनुभव करते हो? पद्मा पदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो, जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वो सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भगवान भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है ही नहीं। तो जहाँ सर्व प्राप्तियाँ होंगी वहाँ सदा हर्षित होंगे। कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती है तो उसका चेहरा भी दिखाता है कि उसको कुछ मिला है। तो जिसको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए वह क्या रहेगा? सदा हर्षित। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देख करके पूछे क्या मिला। कोई भी पूछे आपको क्या मिला, इतना खुश रहते हो। तो जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है। जैसे दर्पण में जो चीज़ जैसी होती है वैसी ही तो दिखाई देती है। तो आपका चेहरा दर्पण का काम करे। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला है तो इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठकर सुनाओ। समय भी नाजुक होता जाएगा तो सुनाने का समय भी नहीं मिलेगा, तो फिर सेवा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सेवा? अपने चेहरे से, क्योंकि चेहरा दर्पण है। जैसे म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो, चित्र देख करके प्रभावित होते हैं ना, तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाएगा। ऐसा चित्र तैयार हो, इतनी चैतन्य चित्र तैयार हो जाएं तो आवाज़ बुलंद कर देंगे। सदैव चलते फिरते उठते बैठते ये स्मृति रखो, हम चैतन्य चित्र हैं।
सारे विश्व की आत्माओं की हमारे तरफ नज़र है। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की कौन सी बात होती है? हाँ, कौन सी होती है आकर्षण की बात? सदा खुशी की होगी। तो सदा खुश रहते हो या कभी उलझन भी आती है, या कहाँ जाकर कहेंगे यह हो गया इसलिए खुशी कम हो गई? क्या भी हो जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए। ऐसी पक्की हो, अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे? बाप दादा सबका फोटो निकाल रही हैं कि कौन कौन हाँ कर रहा है। ऐसी नहीं कहना कि उस समय कह दिया, मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे वैसे कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको निश्चय है हमारी विजय हुई ही पड़ी है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास सर्वशक्तियों का खजाना है तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वह शक्ति मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है? करना आता है, चलना आता है। कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो ना? ऐसे तो नहीं कि कोई बात आती है और समाप्त हो जाती है, पीछे सोचते हैं ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता, ऐसे तो नहीं। समय पर सर्वशक्तियाँ काम में आती हैं या थोड़ा पीछे से आती हैं? अगर मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, ये हो नहीं सकता। अगर सीट से नीचे आते हो और फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेंगे। लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी उतरता है उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता। अगर कोई शक्ति ऑर्डर मानती है तो अवश्य पोजीशन की सीट पर हो, और अगर नहीं मानती अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अडोल रहो। हलचल में आने वाले तो नहीं है ना? बाप दादा कहते हैं शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात है ही नहीं। और बाप दादा सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ है, बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात क्या है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाबा बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र है, बाप तो है ही माला माल। किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी ही है, इसलिए बेफिक्र दुख धाम से सुख धाम स्थापन कर रहे हो तो दुख धाम में हलचल तो होगी ना। गर्मी की सीजन में गर्मी होगी ना, लेकिन बाप के बच्चे सदा, बाबा के बच्चे सदा सेफ हैं क्योंकि बाप साथ है। सर्व बच्चों के प्रति बाबा बाप दादा का संदेश, सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे समय के समाचार सुनते ऊंचे ते ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो ना। इसी ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प उठ नहीं सकता। ये तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग व्रति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। आपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरी तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नोंदी हुई है ना। रिहर्सल ही ड्रामा की रील को समाप्त करने का साधन है, इसलिए नथिंग न्यू। समय के सर्कमस्टांस प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, मन के संकल्प की खींचातान में नहीं आना। जहाँ जिस परिस्थिति में रहो दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। साथ साथ
इस समय हर एक सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता रहे, जो जितना ज़्यादा समय निकाल सकते हैं उतना साइलेंस का सहयोग दो। अच्छा, सर्वस्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं को बाप के साथ साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा नथिंग न्यू पाठ को सहज स्वरूप में लाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते, समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती हैं। स्लोगन, ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ और युक्त युक्त रहेगा। सोचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साईं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। अमृत वेले की पॉइंट है, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया, बाबा ने कहा कि स्वस्थता ही सत्यता है, कल कहा था उठने बैठने करने सब किए, बाबा ने स्वस्थता बताई, तो बाबा ने आज कहा अगर व्यर्थ संकल्प भी हैं ये भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसी को दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपकी पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 13.5 कला आदि आदि नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना, पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वस्थता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल निकल गया, इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं ये कहेंगे। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सब कुछ चेक करो। मोटे रूप से चेकिंग नहीं करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। तो पहले तो निशाना लगाते हैं, दूसरा बोझ उठाते रहो। तीर कमान में निशाना लगाना पड़ता है ना, फिर बोझ है, और मुरली देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो। तो इसलिए मोटा मोटा रूप ना पुरुषार्थ का रखो, ना चेकिंग का रखो, अभी महीन बुद्धि बनो।
क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बता करके नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है, कोई उलाना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा, सोल कॉन्शियस बना रहा है बाबा, टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। ओम शांति।